बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, खाना खजाने में स्वागत है। आज है कि हम लौकी और चावल की खीर बना रहे हैं। ये कद्दू है, ये 50 ग्राम चावल, खोआ 50 ग्राम, 2 से 3 इलायची दरदरी पिसाली, कस्टर्ड पाउडर 1 चम्मच, टेस्ट के हिसाब से शक्कर और काजू और बादाम 1 लीटर दूध। चावल को और कद्दू को एक साथ धोकर चलाना। ये चावल धो चुके हमने एक मुट्ठी, इसमें कद्दू डाल लेना है। हल्का सा पानी डालकर उबाल लेना, अच्छे से एकदम नरम होने तक उबालना है कद्दू को और चावल। फिर दूध को बॉइल कर दिए हमने। चावल और कद्दू उबाल लिए, अब इसको पीस लेना है। टेस्ट के हिसाब से शक्कर डालना है। एक खोआ डालना है, अच्छे से मिक्स करना है। ये कस्टर्ड है, 2 से 3 चम्मच इसमें पानी डालकर अच्छे से मिक्स करना है। एक कस्टर्ड का घोल बना करके इसमें डालना है, अच्छे से मिक्स करना है। ये अच्छे से पक चुका है हमारा, अब इलायची डाल देना। ये चावल हर पत्ते को पीस लेना। ये पीस चुका है चावल का और कद्दू का, अब इसमें डाल देना। ये चावल और कद्दू का पेस्ट डाल दी है और इसको 2 मिनट पकाना है। देखो कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, कितनी बेहतरीन। इसमें हरा खूब कलर डालना है। और ये काजू बादाम डाल लेना है, अच्छे से मिक्स करना है। ये बन चुकी हमारी कद्दू की खीर। ये बन चुकी है, 5 मिनट और चुकी है, एकदम बेहतरीन लाजवाब बन चुकी हमारी कद्दू की खीर। अब सर्व करके बताते हैं। वाओ, कितनी बेहतरीन बनी है कद्दू की और चावल की खीर। अब ये सर्व करके बताते हैं हम। वाओ, कितनी बेहतरीन खुशबू आ रही है कद्दू और चावल की खीर।
ये बन चुकी है चावल और कद्दू की खीर, एकदम बेहतरीन। शादी में बनाते वैसी ऐसी रेसिपी बनाने के लिए, अच्छी अच्छी रेसिपी बनाने के लिए दुआओं में याद रखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में ज़रूर लिखकर बताओ कि ये कद्दू की और चावल की खीर कैसी बनी। अल्लाह हाफिज़।